हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की हमारी रेसिपी है गोल्ड फिंगर, जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक बोल पत्ता गोभी का लिया है जिसको हमने चॉपर में चॉप करके रखा है, एक गाजर जिसको हमने ग्रेट कर लिया है, दो बड़े चम्मच मैदा लिया है, तीन बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून अजीनोमोटो जैसे चाइनीज नमक कहते हैं, एक चम्मच सेजवान चटनी, दो बड़े चम्मच सफ़ेद तिल, दो स्लाइस ब्रेड। एक बड़ा बोल लेंगे, इसमें हम डालेंगे पत्ता गोभी जो हमने चॉप करके रखा है वो। अभी हम डालेंगे इसमें गाजर जो हमने ग्रेट करके रखा है। अभी हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, एक स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, अभी डालेंगे अजीनोमोटो, एक स्पून सेजवान चटनी, एक बड़ा चम्मच मैदा, एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, एक चुटकी ऑरेंज कलर, और अभी सब मसालों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। फिंगर के लिए हमारा मसाला बनकर तैयार है। एक बोल लेंगे, पानी भरकर उसमें कॉर्नफ्लोर डाल के उसका गोल बना के रखना है हमें। एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और जो हमने कॉर्नफ्लोर का गोल बना के रखा है वो कॉर्नफ्लोर का गोल पूरे ब्रेड पर अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे, जैसे हम जो बैटर लगाएंगे पत्ता गोभी का, ये मसाला जो लगाएंगे तो वो गिरे नहीं फ्राई करने के टाइम। ये देखो बैटर अच्छी तरह से गोल स्प्रेड हो चुका है। अभी हमने जो मसाला बनाया था पत्ता गोभी और गाजर का, वो मसाला अच्छी तरह से हम पहले लगाएंगे ब्रेड पे। पूरी ब्रेड पे मसाला अच्छी तरह से लगा के प्रेस कर देंगे। और फिर से हम कॉर्नफ्लोर का गोल जो हमने बनाया वो लगाएंगे, स्प्रेड करेंगे फिर से ब्रेड के ऊपर। अभी हम इस पे लगाएंगे सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल डाल के पूरी तरह से उसको फिर से प्रेस करना है, जैसे वो तिल भी जो है वो चिपक जाए मसाले के साथ। और उनको हाफ एन आवर के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। पहले हम कट कर लेंगे, थोड़ा सा ऐसे निशान लगा देंगे चाकू की मदद से, तो फ्राई के बाद हमें कटिंग करने में वो इजी होगा। इस तरह से हमने निशान करके रखा है। हम इनको फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए, तब तक तेल हम रख देते हैं गर्म होने के लिए। एक एक पीस करके हम अच्छी तरह डालेंगे। हमने ये फ्लैट पैन लिया है तो हम दो पीस अच्छी तरह से ये डाल सकते हैं इसमें। और हमें जिस पे बाजी लगा हुआ है, मसाला लगा हुआ है, वो हमें नीचे की ओर डालना है और उसको हमें एक ही बार पलटाना है, बार बार नहीं पलटेंगे। अच्छी तरह से जब वन साइड पक जाएगा तो हम उसका साइड चेंज करेंगे। देखो थोड़ा लग रहा है साइड से गोल्डन हो गया है, तो अभी हम इसका कलर साइड चेंज कर रहे हैं। ये देखो गोल्डन कलर अच्छी तरह से हो गया है। आपको ब्रेड के साइड से लग रहा होगा कि दूसरा साइड भी पक गया है लगभग, तो हम अभी इनको शिफ्ट कर देंगे, प्लेट में निकाल देंगे हम। इस पे हमने पहले ही चाकू की मदद से कट्स बना के रखे थे, तो हम पिज़्ज़ा कटर से या चाकू की मदद से ही उसके पीसेस कर देंगे। वो बहुत अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाता है ये। और इनको हम सर्व करेंगे सेजवान चटनी के साथ।
उम्मीद है दोस्तों आपको यह हमारी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आएगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।